हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द आयुष टेक में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने YouTube का चैनल कैसे डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों को अपना चैनल डिलीट करने या फिर हाइड करने नहीं आता है, तो मैं वही बताने वाला हूं कि आप अपने YouTube का चैनल कैसे डिलीट कर सकते हैं या फिर हाइड कर सकते हैं, परमानेंट डिलीट कैसे करना है, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि बहुत लोग होते हैं कि चैनल बना देते हैं लेकिन वो फिर अपना कोई और चैनल बनाते हैं और वो सोचते हैं कि ये मेरा चैनल डिलीट हो जाए या फिर इस चैनल को मैं हाइड कर दूं, किसी को ना दिखे मेरे अलावा, या फिर कुछ उनका पर्सनल वीडियो रहता है जो वो सिर्फ खुद देखना चाहते हैं, किसी और को नहीं दिखाना चाहते, तो आप उसको हाइड कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, तो हम यहाँ से क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं, क्रोम ओपन कर लेते हैं। आप लैपटॉप में भी क्रोम ओपन कर सकते हो। तो आपको अपना चैनल या फिर यूट्यूब खोलना है, तो हम सीधे चैनल अपना खोलते हैं, जो भी आपका चैनल रहेगा, क्योंकि हमको चैनल ही डिलीट करना है यूट्यूब का, तो वहीं हम खोलेंगे। तो जैसा कि मेरा चैनल खुल गया है, तो इसको मैं डेस्कटॉप साइड कर लेता हूँ, तभी ये पूरा इंटरफेस जो भी आपका रहेगा पूरा, तभी ये खुलेगा डेस्कटॉप साइड करने पर। अगर आप लैपटॉप में खोलते हो तो आपका खुल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो चैनल का ये पूरा आ गया है, जैसा पूरा चैनल में हमारे सब कुछ रहता है, इंटरफेस सब कुछ एकदम सेम टू सेम यहाँ पे हमारा दिखाई दे रहा है। तो मान लीजिए मेरा कोई एक चैनल है, तो अगर हमको इस चैनल को डिलीट करना है परमानेंटली या फिर इस चैनल को हाइड करना है या फिर जो भी करना है, जो आप चाहते हो करना वो कर सकते हो यहाँ से। तो आप यहाँ पर थोड़ा इसको जूम करना है, जूम करने के बाद आप सबसे थोड़ा सा जूम करना है, फिर एकदम सीधे नीचे साइड में जाना है सबसे। तो नीचे साइड में आप जाओगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे एक सेटिंग का ऑप्शन आ रहा होगा, ये सेटिंग है। सेटिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ तीर का निशान जहाँ से लग रहा है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जूम करके इस सेटिंग पे आपको क्लिक कर लेना है। तो आप जैसे ही सेटिंग क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, उस ऑप्शन को आपको सही से टिक करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करिए, उसका हम जवाब देंगे। तो जैसा कि आप देखोगे यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपको खुल के भी दिखेगा, तो आपको यहाँ पर सीधे आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन चैनल का दिखेगा, तो आपको यहाँ पे चैनल पे क्लिक करना है। जूम करके मैं दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देखोगे ये रहा चैनल, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो हम ये चैनल पे क्लिक करते हैं। तो आप चैनल पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा जूम करना है, मैं दिखा रहा हूँ जूम करके। आप यहाँ पे देखोगे बेसिक इन्फॉर्मेशन आएगा, एडवांस इन्फॉर्मेशन आएगा। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एडवांस इन्फॉर्मेशन आ रहा है और ब्रांडिंग बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको यहाँ पे एडवांस इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है, यहाँ पे एडवांस इन्फॉर्मेशन पे। तो हम यहाँ पे एडवांस इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है आपको, तो आप यहाँ पे देखोगे लिखा हुआ आपको दिखाई देगा डिलीट या हाइड चैनल। अब यहाँ से देख सकते हो डिलीट या हाइड चैनल, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है डिलीट वाले ऑप्शन पर। अब जैसे ही क्लिक करोगे आपको सीधे वहीं पर ले जाएगा। तो यहाँ पे जो भी आपका पासवर्ड, जो भी ईमेल आईडी, उसका पासवर्ड आपको यहाँ पे टाइप करना है, तो हम पासवर्ड टाइप कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड लिख लिया है, उसके बाद हम साइन इन पे क्लिक करते हैं और इसको हम लॉगिन कर लेते हैं। तो उसके बाद हमारा ये अकाउंट डिलीट होने वाला है। तो वो अकाउंट मेरा यहाँ पर खुल गया, तो आप ऊपर देखोगे रिमूव योर कॉन्टेंट और आपका जो भी है ईमेल आईडी, और यहाँ पर आई वॉन्ट टू हाइड माई चैनल, आई वॉन्ट टू परमानेंटली डिलीट माई अकाउंट या कॉन्टेंट जो भी है। तब इसको अगर चैनल को हाइड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, अगर डिलीट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो चलिए हम इस अकाउंट को डिलीट करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत जो भी आपके रहेंगे आपको यहाँ पे सारी चीज़ आपका डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करके डिलीट माई कॉन्टेक्ट पे करके डिलीट माई यहाँ पे करके, तो यहाँ पर प्लीज़ कंफर्म टाइपिंग योर ईमेल एड्रेस, तो मैं अपना ये कोई एक ईमेल एड्रेस दे देता हूँ और डिलीट माई अकाउंट यही ऊपर वाला ईमेल आईडी देना है। सॉरी, मैं ऊपर वाला ईमेल आईडी दे के डिलीट माई अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, नीचे यहाँ पे दिखेगा आपको। तो चलिए यहाँ से योर कॉन्टेंट इज बेइंग डिलीटेड, मेरा अकाउंट डिलीट हो गया है।
तो आपका अकाउंट इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हो। दोस्तों इस तरीके से आप अपना चैनल हाइड कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको डिलीट करने में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करें, नीचे व्हाट्सएप नंबर है या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से आप अपना कोई भी चैनल हाइड कर सकते हो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे संपर्क करें।